केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पहली ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री और जनरल केमिस्ट्री, दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन बच्चों आजकल एक जो चौथी ब्रांच है जो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है इवन इन इंडिया ऑल्सो, और वो ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमारे हायर एजुकेशन में यानी कि फ्रॉम क्लास बीएससी एंड एमएससी एज वेल यहाँ पर काफ़ी काम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच का। हालांकि 11th और 12th में इसके बारे में थोड़ा सा कम डिटेल है, तो हमारे इंडिया मशहूर है कि 11th 12th क्लास में जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं ये लोग कम पढ़ाते हैं। ये मेरे दिल का दर्द भी है, लेकिन जो है सो है। तो जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, विच इज़ फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और ये मॉडर्न ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो इसका जो कुछ भी बेसिक है क्लास 11th में वो स्पेक्ट्रम टॉपिक के अंदर है, और वो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जाम्स क्लास 11 सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में आपके सामने आया हूँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अक्सर इसमें आपके एनुअल एग्जाम में, क्लास 11 के एनुअल एग्जाम में 2 से 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुल मिला के 5 सीरीज़ होती हैं, और इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा तरीका आप याद रख लीजिए कि एल बी पी बी पी एच, बी पी बी पी दो आए, एक तरफ एल आया एक तरफ एच आया, तो एल बी पी बी पी एच करके आप याद कर लेंगे। एल से हुआ लाइमन, बी से हुआ बाल्मर और बामर, पी से हुआ पाश्चन, फिर अगले बी से हुआ ब्रैकेट, उसके बाद ये पी फंड, और लास्ट जो है हम्फ्री सीरीज। बहुत सारी बुक्स में नहीं दी होती है लेकिन ये खोजी गई है। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा सीरीज़ हैं, लेकिन क्लास 11-12 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 6 सीरीज़ आपके लिए सेलेक्ट की। तो ये कुल मिला के ये सीरीज़ होती है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इन सीरीज़ के बारे में। हम हर एक एटम का स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट की पहचान उसका स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर किए गए हैं हर एलिमेंट की पहचान उसके स्पेक्ट्रम से होती है। स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि ये ब्लाइंड स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, और इसमें हमको कुछ काली सफ़ेद पट्टियाँ मिलती हैं यानी ब्लैक एंड वाइट बैंड हमको मिलते हैं, और हर एक बैंड किसी न किसी ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। जब इनकी सीरीज़ बनाई गई तो कुछ इस तरीके से सिस्टम मिले। आपको मैं रियल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये सोचिए कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना हुआ मिला, वो कैसा होगा दिखने में। तो मैं आपको समझाता हूँ कि वो दिखने में कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको 6 सीरीज़ नज़र आ रही हैं। हर एक सीरीज़ में बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी। पहली सीरीज़ में ये लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्री। तो ये हमको कुल मिला के 6 सीरीज़ होती हैं। 6 सीरीज़ में हमको समझना है, क्योंकि मोस्टली जो इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी न्यूमेरिकल्स मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। इस सीरीज़ का जो मकसद है, हमारी जो वीडियो सीरीज़ का ये मकसद है कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। और ये देखिए, मैं आपको 6 सीरीज़ आपके सामने लिखी हुई हैं। उसके बाद इसमें हमको 2 वैल्यू और ज़रूरत पड़ती है, वो है N1 और N2। बहुत सरल है इनको याद रखना। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और N2 की जो वैल्यू है वो 1 के बाद से शुरू होगी, मतलब 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से और तो पहली सीरीज N1 की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस है, और फिर 1 के बाद से 2 शुरू हुआ, 2 के बाद से 3 शुरू हुआ, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए कि लाइमन सीरीज़ की पहली लाइन है तो उसके लिए N1 की वैल्यू 2 होगी, दूसरी लाइन के लिए इसकी वैल्यू 3 होगी, तीसरी लाइन के लिए इसकी वैल्यू 4 होगी एंड सो ऑन।
ध्यान से आप देख लीजिए। रीजन की बात करते हैं तो ये जो है आपका अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल, ये आपका अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के जो हमारे स्पेक्ट्रम के रीजन्स होते हैं उसमें हमको पता है कि ये विजिबल रीजन होता है, और विजिबल रीजन के जो पहले वाला रीजन होता है वो अल्ट्रावायलेट होता है, और उसके बाद ये इंफ्रारेड होता है। तो ये जो कुछ भी हमको मिलते हैं इन तीन रीजन में मिलते हैं। विजिबल रीजन वो होता है जिस रीजन में हम इंसान कुछ देख सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले जो बामर सीरीज है उसकी लाइन हमको मिली, ये विजिबल पार्ट में है और बामर ने इसको नेकेड आइज से देखा। बाद में और लोगों ने जुड़ के और अलग अलग सीरीज डिस्कवर की जिनके साथ उनके नाम जुड़े हुए हैं, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं। चूँकि ये विजिबल पार्ट में नहीं थे, ये अल्ट्रावायलेट में और ये सब इंफ्रारेड में है, तो ये नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते, इसीलिए इनको और तरीकों से और मशीन्स के ज़रिए इनको देखा जाता है। तो कुल मिला के ये हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अब बात करेंगे कि इसमें हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास एक जनरल फार्मूला है और इसको रिडबर्ग के नाम से जोड़ा जाता है। रिडबर्ग इक्वेशन, तो ये रिडबर्ग इक्वेशन है, न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लेमडा आर एच 1/N1² माइनस 1/N2². अब आप देखिए न्यू बार जो होता है दिस इज वेव नंबर एंड इट इज इक्वल टू 1/λ एंड लेमडा जो होता है वो वेवलेंथ होती है, इट इज़ वेवलेंथ। आर एच जो होता है वो आपका रिडबर्ग कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू इतनी होती है इतने सेंटीमीटर इन्वर्स, और एन वन आपको पता है कि ये नंबर होते हैं और ये भी आपके नंबर होते हैं, मैंने आपको एन वन और एन टू यहाँ पर बता दिए। तो आपको एक तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको याद रखना बड़ा आसान है, 6, 7, 8, 9, 10 याद हो गए, और आगे इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इन्वर्स है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छा होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि इसके जिस जितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। मैं इसको ज़रा साफ कर देता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमको इनको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की पहली लाइन के लिए आप पहले एक्सप्रेशन बनाना सीखिए। लाइमन सीरीज एन वन की वैल्यू इसके लिए फिक्स है, एन वन इक्वल टू 1, और फर्स्ट लाइन ये है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड एंड सो ऑन, ये सभी लाइन सीक्वेंस हैं। जो पहली वैल्यू है वो पहली लाइन देगी, दूसरी वैल्यू दूसरी लाइन देगी। सो एन वन इक्वल टू 1 वाइल एन टू इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू फिक्स होती है, ये वाली वैल्यू वेरिएबल होती है। अगर हम ये वैल्यू रखें तो न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर एच 1/1² माइनस 1/2². देखिए ये इतना मुश्किल नहीं है, आपने ये वैल्यू रखी। अब आप देखिए आर एच की जो वैल्यू है वो आप आराम से निकाल सकते हो, आर एच की वैल्यू पता है आपको, ठीक है, ये वैल्यू पता है आपको, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको न्यू बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इसकी न्यू बार की वैल्यू निकालिए, आप आराम से निकाल सकते हो। इसके साथ में मैं कुछ और फॉर्मूले आपको बताता हूँ, ज़रा उनको भी याद रखिए। तो न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, सी जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है। वैल्यू आपको याद होगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये के वी फार्मूला आपको यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो है ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू
एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी न्यू बार, और इसमें जो h आता है वो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो E जो होती है, E एनर्जी होती है फोटोन की, तो ये आपका जो है E जो होती है वो एनर्जी ऑफ फोटोन है। आप ये फॉर्मूले ध्यान रखिए और आप इनकी मदद से आराम से निकाल सकते हैं। आपने फर्स्ट लाइन निकाल ली, आपने न्यू बार की वैल्यू मान लिया निकाल ली, अब आपको न्यू बार के बाद और अगर अगली वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। देखिए आप यहाँ पे न्यू बार रखिए, एच आपको पता है कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सी आपको पता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, एच रखिए सी रखिए न्यू बार की वैल्यू यहाँ से निकालिए, आपको फोटोन की एनर्जी निकल आई, जिसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी हमें यूज़ करने हैं। मैं इसको ज़रा साफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ जगह चाहिए फॉर्मूले अपने लिखने की क्वेश्चन कराने की। चलिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। अब मान लीजिए हमसे कहा गया कि थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हम ब्रैकेट सीरीज पे गए, N1 की वैल्यू 4 है, अब N2 की वैल्यू क्या होगी, तो बस 4 में ये थर्ड लाइन जो निकालनी, क्योंकि N1 की वैल्यू फिक्स है, अब N2 की वैल्यू हो जाएगी 4+3, यानी कितनी हो जाएगी 7, थर्ड लाइन निकालनी थी हमको। मान लीजिए हमको निकालनी है फोर्थ लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, सोचिए सोचिए जरा, मैं आपको वक्त देता हूँ, ध्यान से देखिए। इधर फॉर्मूलों में आपको फोर्थ लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज ढूंढनी है, फोर्थ लाइन, तो पाश्चन सीरीज पे आए, पाश्चन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी है फिक्स है, N1 की वैल्यू हो गई 3 और N2 की वैल्यू क्या होगी, आपको फोर्थ लाइन निकालनी है, तो फोर्थ लाइन के लिए आपको इस 3 में आपको 4 जोड़ देना है, वैल्यू 7। अब मान लीजिए आपको फार्मूला लगाना है, तो न्यू बार इक्वल टू 1/λ RH 1/N1² यानी 4² माइनस 1/7² और यहाँ पर करेंगे तो RH 1/3² माइनस 1/7² आप इजीली सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से आप, तो अब चलिए हम लोग अगला, एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर सिक्स लाइन ऑफ पीफंड सीरीज कैलकुलेट, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है सिक्स लाइन ऑफ पीफंड सीरीज। ध्यान से देखिए पीफंड सीरीज, यहाँ पर पीफंड सीरीज है और इसके बाद आपको इसकी N1 की वैल्यू 5 दी हुई है, आपने N1 की वैल्यू लिख ली 5 और N2 की वैल्यू 6 लाइन है, तो 5+6=11। हमने फार्मूला लगाया न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू आर एच 1/5² माइनस 1/11². अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आर एच की वैल्यू हमको पता है कितनी होती, वैल्यू 10, 9, 6, 7, 8, 10, 9, 6, 7, 8, वेरी सिंपल टू लर्न। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इससे हमको क्या हुआ कि न्यू बार की वैल्यू आ गई, पहला पार्ट हमारा हो गया। अब हम तीसरे पार्ट पे आए, न्यू बार इक्वल टू क्या होता है 1/λ, न्यू बार की वैल्यू हमने निकाल ली है, न्यू बार की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो लेमडा निकल आएगा, तो लेमडा भी निकल आया हमारा, न्यू बार निकल आया हमारा। उसके बाद हमने कहा न्यू इक्वल टू होता है C/λ, अब लेमडा हम निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू हमको पता है 3 × 10⁻⁸, इससे हमारी न्यू की वैल्यू निकल आई। और अब हमने कहा कि एनर्जी की वही वैल्यू निकाली है, E इक्वल टू फार्मूला होता है एच न्यू, हम किसी भी फार्मूले को यूज़ करके इसको आराम से निकाल सकते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, क्योंकि उस पर भी एक क्वेश्चन आता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप
हमारी आपसे पूछा गया बामर सीरीज के लिए जो हाईएस्ट वेवलेंथ है उसकी लाइन क्या होगी वैल्यू और लोवेस्ट क्या होगी, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वेवलेंथ। तो देखिए अगर जब आपको हाईएस्ट वेवलेंथ निकालनी हो तो आप N1 जो N2 की वैल्यू है वो आप लोवेस्ट रखेंगे, और अगर लोवेस्ट वैल्यू आपको निकालनी हो तो N2 की वैल्यू आप हाईएस्ट रखेंगे, उल्टा आप कर दीजिएगा, बस सिंपल सा काम है। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि बामर सीरीज के लिए आप हाईएस्ट वेवलेंथ निकालिए, बामर सीरीज की हाईएस्ट वेवलेंथ। तो बामर सीरीज के लिए हमको N1 की वैल्यू तो देखिए फिक्स होती है 2। अब हमको हाईएस्ट अगर निकालनी है, हाईएस्ट फॉर हाईएस्ट वेवलेंथ, तो हम N2 की वैल्यू लोवेस्ट रखेंगे। अब हम बामर सीरीज में जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 3 है और जो हाईएस्ट वैल्यू है इन्फिनिटी है, तो इसलिए हम यह वैल्यू यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या रखेंगे 3, ये हाईएस्ट के लिए हो गई। अगर हमको यहाँ पर लोवेस्ट निकालनी होती N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती, ये किसके लिए होती, लोवेस्ट के लिए होती। अगर आपको हाईएस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो N2 की वैल्यू आप लोवेस्ट रखेंगे, और अगर आपको लोवेस्ट के लिए निकालनी है तो N2 की वैल्यू आप हाईएस्ट रखेंगे। अब हमसे कहा गया कि बामर सीरीज के लिए आप हमको लोवेस्ट वेवलेंथ निकालिए, तो लोवेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की जो वैल्यू है वो आपको हाईएस्ट रखनी पड़ेगी, यानी आपको इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसको सॉल्व करिए और बुक से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, और बहुत जल्द मिलूँगा मैं अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।